आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप एक गली के कुत्ते को घर ले आके पाल सकते हैं। देसी कुत्तों पर बनाई हुई मेरी पिछली वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सभी को बधाइयां। और अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर देखें उन वीडियोस को। अब कई बार ऐसा होता है कि हम गली में कोई क्यूट सा पपी देखते हैं, हमारा मन होता है कि इसे पाल लें, लेकिन किस तरह से उसके पास जाएं, कैसे उसका भरोसा जीतें और कैसे उनकी देखभाल करें, हम ये समझ ही नहीं पाते। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप उस क्यूट से पपी को अपने घर के अंदर ले आएं। ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि वो इतनी जल्दी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। उनका ट्रस्ट जीतने के लिए आप ट्रीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में वो पट्टा बिल्कुल नहीं पहनना चाहेंगे, इसलिए आप कोई भी जल्दबाजी ना करें। पहले पट्टा अपने हाथ में रखिए, वो उसे सूंघेगा, फिर आप उसे एक ट्रीट दीजिए। ऐसा करते करते वो पट्टे पे भरोसा कर लेगा। फिर आप उसे कॉलर पहना दें और चाहे तो उस पे लीश भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जब पहली बार उसे लीश लगाएं तो फिर से उसे ट्रीट दें। जब पहली बार आप उसके साथ टहलने जाएं तो उन्हें अपने पास रखने के लिए ट्रीट्स का इस्तेमाल करें। अगर वो कहीं पर रुक जाएं तो उसे बिल्कुल भी मत खींचिए, बल्कि खुद उनके पास जाके उन्हें ट्रीट दीजिए। ऐसा करने से वो फिर आपके साथ चल पड़ेंगे। अब बाद में आप गले के पट्टे की जगह हार्नेस का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर वो घबराकर आपको खींचते हैं तो उनके गले पे बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा। मुझे यकीन है कि अब तक वो आप पे भरोसा करने लगेंगे। अब बारी है उसे नहलाने की। जब कुत्ते ऐसे गलियों में घूमते हैं तो उनका गंदगी से रहना स्वाभाविक है, जिसकी वजह से कई तरह के परजीवी उन पर लग जाते हैं। उसे साफ करने के लिए आप नीम का तेल और नारियल का तेल मिक्स करके उन पर लगाएं। ये तेल उनके खाल पर पहुंचना चाहिए और फिर 24 घंटे तक उस तेल को उनके शरीर पर रहने दें। अब बारी है उसे अच्छे से नहलाने की। आप चाहें तो कोई भी डॉग शैम्पू यूज कर सकते हैं या फिर विम को पानी के साथ घोलकर भी लगा सकते हैं। उसके पूरे शरीर पे घोल को लगाएं, सिर्फ आंख और कान को छोड़कर। फिर उनको अच्छे से नहलाकर सारा साबुन साफ करें। बस ध्यान रखें कि उनके कानों में पानी ना जाए। अब बारी है उनके बालों को ब्रश करने की। ऐसा करने से उसके सारे झड़े हुए बाल निकल आएंगे और इससे उन्हें अच्छा महसूस भी होगा। अब अंत में अपने डॉग को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाएं और उनकी अच्छे से जांच कराएं। उनका टीका लगवाकर उनके टीके का एक शेड्यूल बनवाएं और उनके नाखून भी कटवा दें। अब आपका डॉग पूरी तरह से तैयार है। उनका खूब ख्याल रखें और उन्हें खूब प्यार करें। तो अगली बार अगर आपको कोई क्यूट पप्पी दिखे रास्ते में तो उसे जरूर घर ले आइए। इससे उसकी जिंदगी बन जाएगी और आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।